हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पूजा मेरी हो चुकी है और आज तुलसी भी बीजनी थी, वो भी मैं बीज चुकी हूँ। और उसके बाद सारा काम करने के बाद मैं बना रही हूँ लंच। तो लंच में मैं बना रही हूँ सिंपल चने की दाल बिना बॉयल की हुई। तो उसको मैंने अलग से बॉयल नहीं किया था, थोड़ी जल्दी थी मुझे क्योंकि हमें जाना था मंदिर। आज मैं मंदिर जाऊंगी लंच बनाने के बाद, क्योंकि सुबह सुबह मंदिरों में आजकल बहुत रश होता है और दर्शन भी जो है वो ढंग से नहीं किए जाते हैं। तो घर में बस अपना पाठ करके, दुर्गा स्तुति करके, तो मैंने सोचा कि लंच बनाने के बाद फिर मैं आराम से जाऊंगी मंदिर। तो ये मैं बना रही हूँ लंच, चने की दाल है जिसे कि मैंने टमाटर वगैरह मसाले, बेसिक मसाले डाल के भून लिया है और डायरेक्ट ही भून के मैं इसे कुकर में डाल दूंगी। और ऐसे भी ये दाल बहुत अच्छी बनती है। और मैं इसमें डाल रही हूँ मीठी सौंफ। तो मुझे बताइएगा कि आप लोग भी चने की दाल में मीठी सौंफ को डालते हैं, अगर नहीं डालते हैं तो डाल के देखिएगा, दाल का स्वाद जो है वो दोगुना हो जाता है, बहुत अच्छी बनती है ऐसे। तो बस ये फटाफट मैं इसको भूनूंगी और कुकर का ढक्कन लगा दूंगी। और साथ ही साथ मैंने पूजा करने के बाद सबको ब्रेकफास्ट भी कराया था, तो किचन भी मेरी काफ़ी जो है वो ख़राब हो चुकी थी, मतलब यहाँ का सामान वहाँ था। तो पूजा करने के बाद फिर मैंने अब लंच बनाया है, तो सोचा जल्दी जल्दी काम करके मैं मंदिर के लिए निकल जाऊंगी और पहले किचन को मैनेज कर लूंगी, क्योंकि जब वापस आते हैं तो किचन मैसी हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बस लंच बनाऊंगी, हस्बैंड को दे के मैं और मेरा बेटा जो है हम लोग मंदिर के लिए चले जाएंगे। तो बस दाल का मसाला साथ के साथ भुन रहा है और मैं बाकी काम भी समेट रही हूँ। और आपकी नवरात्रि का पहला दिन कैसे बीता मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो मेरा तो शुरुआत जो है थोड़ी सी लेट हो गई थी, क्योंकि बस माता की फ़ोटो वगैरह की स्थापना करनी होती है तो काफ़ी लेट हो जाता है पहला नवरात्रा। काम भी सारे मुझे ही करने होते हैं, सबको लंच भी देना होता है, ब्रेकफास्ट भी देना होता है और पूजा का सारा काम मैं खुद ही, माता की स्थापना मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि तसल्ली जो है मुझे अपने हाथ से ही आती है। तो बस ये कुछ आटा बचा हुआ था, इसको भी मैं अच्छे से रोल करके फ्रिज में लगा दूंगी। और उतनी देर मेरी दाल जो मैंने टमाटर के साथ डाली थी वो भी बहुत अच्छे से भुन गई और घी जो है उसने छोड़ दिया था। तो बस दाल को ढक्कन लगा दूंगी। और साथ में मैंने कुछ और नहीं बनाया है, सिंपल दाल बनाई है आज। और हमारे यहाँ होते हैं बुरांश के फूल, उसकी मैंने बनाई है चटनी, जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ही मिलते हैं ये वाले, आपकी साइड मिलते हैं या नहीं मुझे बताइएगा। तो बस इसकी मैं चटनी बनाऊंगी। और मैंने बिल्कुल इनको साफ़ कर लिया था, बीच में इसके होते हैं लंबी लंबी सी वाइट वाइट सी कलियाँ होती हैं जो कड़वी होती हैं, उनको मैंने निकाल के साफ़ करके रात को ही रख दिया था। तो देखिए दाल मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है और अब मैं इसे ढक्कन लगा दूंगी। तो कभी जल्दी हो तो इस तरह से दाल भी बना ली जाए, तब भी ये दाल बहुत अच्छी और करारी बनती है। बस अब मैं गैस को क्लीन करूंगी और सबसे पहले मैंने ये जो फूल हैं उनको मैंने गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए रखा था धोकर, क्योंकि ये बाहर लोग जो बेचते हैं वो ऐसे ही रखे होते हैं तो थोड़ा वहम सा होता है कहीं गंदे ना हो। तो गर्म पानी में धोकर मैंने इनको डाल दिया था और फिर अच्छे से निचोड़ के मैं इन्हें मिक्सी में डाल दूंगी। और मैंने इसमें डाला है हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च मैंने इसमें डाली है, टमाटर डाला है मैंने इसमें एक, और साथ में मसाले में मैं इसमें डालूंगी मीठी सौंफ और ज़ीरा साबुत, ज़ीरा का पाउडर भुना हुआ भून के डालूंगी। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया था नींबू। तो ये देखिए ये है पुदीना के पत्ते और हरी मिर्ची, तीखी तीखी चटनी बनाऊंगी, तीखी ही अच्छी लगती है ये। और ये वाले बुलाश के जो फूल होते हैं ना, ये बीपी हाई जिसका हो उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, हाई बीपी वाले पेशेंट के लिए इसका जूस भी बनता है, उसको भी बना के निकाल के पी लेना चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है ये। तो बस चटनी का सामान तैयार कर दिया और यहाँ मैंने चावल भी छान के रख लिए। मैंने आज पानी निकाल के चावल बनाए हैं क्योंकि कुकर में चावल जो है बहुत हैवी से हो जाते हैं। तो बस टमाटर मैंने डाल दिया, नमक डाल दी, अब मैं इसे पीस लूँगी। तो बस चटनी देखिए मेरी कितनी अच्छी बन के रेडी हो चुकी है। और 3-4 दिन ये फ्रिज में बना के रख लो, ख़राब नहीं होती है। और चपाती के साथ भी खा सकते हैं, सिंपल चपाती के साथ भी ये बहुत अच्छी बनती है।
तो बस यहाँ मैं फटाफट खाना सर्व कर रही हूँ ताकि फटाफट से किचन को क्लीन करूँ और ताकि हम मंदिर में जा सकें। तो देखिए दाल बन गई है, कितनी अच्छी से मिक्स हुई है, और साथ में सर्व कर दी है मैंने चटनी और डाल दिया है मैंने इसमें खीरा। तो बस लंच करेंगे और फिर निकलेंगे मंदिर को। चटनी दे कैसी बनी है? फिर चलना मंदिर ना, मंदिर चलना, अंदर जा रहा है वो, धूप में खाएगा, धूप में खा ले। तो बस सारा काम कंप्लीट करने के बाद, लंच सबको कराने के बाद हम लोग निकल गए हैं मंदिर के लिए। मैं जा रही हूँ चामुंडा माता मंदिर, और ये जो मंदिर है ये हमारे धर्मशाला से थोड़ी ही दूरी पर है, बस उसी के लिए निकल रहे हैं। तो आपको भी मैं दर्शन कराऊंगी मंदिर के, बने रहिए मेरे साथ। और मौसम का मैं बताऊं तो मौसम जैसे ही हम घर से निकले, खराब तो मौसम हो चुका था, गड़गड़ाहट तो हो रही थी, लेकिन जैसे रास्ते में हम लोग जा रहे थे तो बारिश बिल्कुल भी नहीं थी। और ऊपर देखिए ऐसे लग रहा है बादल जो है हमारे साथ ही चल रहे हैं। मौसम तो बहुत अच्छा था लेकिन ठंड जो है वो फिर से रिपीट हो गई है। और देखिए सड़कें, हिमाचल की सड़कें कितनी साफ़ सुथरी, और ऐसे शांत वातावरण है हमारे हिमाचल का। तो देखिए मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं, अब हम गाड़ी सबसे पहले पार्किंग में लगाएंगे और फिर मैं कराती हूं आपको दर्शन। तो ये है तिप्तियन मार्केट, थोड़ी थोड़ी तिप्तियन ने भी अपनी दुकानें यहाँ पर लगाई होती है मंदिर के पास, और ये प्रसाद जहाँ लेना हो वो वाली दुकानें भी लगी थी। तो गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है और पहुँच चुके हैं हम श्री माता नंदीकेश्वर धाम में। बहुत ही शांति मिली, और इस टाइम जब हम दर्शन करने गए थे बिल्कुल भी रश नहीं था, बड़े शांतिपूर्वक दर्शन जो है आज मेरे हो चुके थे, मन बहुत प्रसन्न था मेरा। और देखिए कितना सुंदर गेट माता का सजाया हुआ है। और जैसे ही मंदिर पहुंची तो वहाँ की लेडीज़ जो बैठी हुई थी मंदिर दर्शन करने के लिए आई थी, वहाँ पे कीर्तन लगा हुआ था, मेरे मन को बहुत शांति मिली। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि मुझे पंडित जी ने माता जी की चुन्नी भी मुझे दी, और उसको पाकर मुझे बहुत ही खुशी मिली कि भगवान ने मुझे इतने सुंदर टाइम पे ये दर्शन करने के लिए बुलाया था। तो बस माता के दर्शन किए और फिर हम लोग नीचे आ गए थे। यहाँ पर देखिए टूरिस्ट आए हुए हैं और ये फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, और पानी देखिए कितना साफ सुथरा पानी है। तो हम लोग भी चले गए नीचे, थोड़ा पानी में खड़े हुए थोड़ी फ़ोटो क्लिक करवाई, और मंदिर में जाकर थोड़ी देर मन करता है कि आराम से बैठ के आएँ, पर मैं और मेरा बेटा ही गए थे, हम लोग आराम से मंदिर में बैठे, कीर्तन में बैठे, उसके बाद हम लोग नीचे आए और यहाँ पे थोड़ी देर घूम के और फिर हम लोग वापस जो है चल पड़े थे। पर एक बात मैं आपको बताऊँ, जैसे ही हम लोगों ने दर्शन किए तो देखिए हम यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करने आए और हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर शुरू हो गई थी। सारा देखिए आप कितना सुंदर है, कितना शांत है। तो बस ये बाहर का ही मैंने आपको दिखा दिया है, अंदर जो है फोटो क्लिक करना अलाउड नहीं थी। और जैसे ही हम लोग यहाँ से निकले, हल्की हल्की देखिए छींटे आपको दिखाई दे रहे होंगे बारिश के, तो फिर हम लोग निकल गए थे। और जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बहुत मन खुश था मेरा माता की चुन्नी को पाकर। और देखिए वापसी जा रहे हैं हम, कितनी बारिश लगी हुई है, मतलब इतनी बारिश थी कि हमें रोड जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा सा आगे पहुंचे फिर बारिश रुकी हुई थी, फिर आगे गए फिर बारिश, पूरा रास्ता हमारा ऐसे ही निकला तेज बारिश में। और बस अब हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला। तो देखिए रेनबो कितना अच्छा रेनबो बना है, और जैसे ही हम लोग यहां पहुंचे तो बारिश बंद हो गई थी। तो बस ये थी मेरी आज की शेयरिंग, कैसी लगी आपको ज़रूर से बताइएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए,
अच्छे से नवरात्रों को मनाइए, पूजा कीजिए, स्तुति कीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।